दोस्तों हम लोग देखे पार्ट वन में सीड्स को कैसा लगाना, ट्रेस में कैसा लगाना, उसको मिट्टी क्या मिलाना, पूरा हम लोग देखे हैं पार्ट वन में। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो ये लिंक में देखिए, आप कॉर्नर पे लिंक आ रहा है। पार्ट वन में जैसे हमें बताया ऐसा आप अगर सीड्स लगा दिए तो आज हमारा ऐसा इतना ग्रोथ हो जाएगा, आपका सीडलिंग्स आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे वीडियो में हमारा सीडलिंग्स कैसा आया, पूरा कौन सा कैसा आया, हम इसको निकाल के मिट्टी में कैसा लगाना, जहाँ जहाँ लगाना है वह कैसा लगाना, उसका प्रोसीजर क्या है, पूरा आज हम देखेंगे वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम गांधी प्रसाद, वेलकम टू माई चैनल गांधीज गार्डन हिंदी। मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियोस आना चालू हो गया है, नया चैनल है। तो ये चैनल में अगर आप पहली बार आए तो वीडियोस देखिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन क्लिक करने से आपको मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको वीडियो मिस नहीं होगा। तो मेरा हर एक वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा वीडियोस पूरा कंटेंट मैं पूरा रिसर्च करके आपका सामने लेके आता हूँ, जो गलती चीज़ जो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग हमारा जो सीड्स हम जो डाले हैं वो कैसा आया, उसको कैसा लगाना मिट्टी में, पूरा हम देखेंगे आज वीडियो में। दोस्तों हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में देखे ये सीडलिंग ट्रे में हम लोग कैसा हमारा सब्जियों का सीड्स जो है कैसा लगाना है, हम लोग लगा के लास्ट टाइम अभी 5 दिन हो रहा है, 5 दिन में ऑलमोस्ट 90% हमारे को सीडलिंग आ चुका है। इसमें क्या है, अभी आने वाला थोड़ा 2-3 सब्जियां है वो तो टमाटर बैंगन वगैरह लेट आता है, जो लॉन्ग ब्रिंजाल जो है ये वाला एक रो है, ये वाला जो है राउंड ब्रिंजाल का एक रो है, ये दोनों अभी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे दिख रहा है सीडलिंग, और ये तो टमाटर का भी अभी लेट दिख रहा है। अभी हम ये जो भी बड़ा आ गया ऑलरेडी 3-4 इंच का, वो पूरा पौधों को निकाल देंगे हम लोग, सीडलिंग्स को निकाल देके हम लोग गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गमले में जब लगाते हैं हम लोग थोड़ा अच्छा मिट्टी होना चाहिए मिक्सर, उसको वो यहाँ तक हम लोग उसको गमले का मिट्टी के अंदर डूबना चाहिए, पूरा स्टेम जो है जितना भी हाइट है 3-4 इंच हाइट जितना भी है वो मिट्टी के अंदर चले जाना चाहिए, तभी हमारे को उसका साइड से भी रूट्स निकलता है अच्छे तरह से, ये पौधे जो है बहुत मजबूत बन जाता है, उसका अच्छा जितना भी न्यूट्रिशन आना है उसको अच्छे तरह से मिल जाता है। अभी हम ये सीडलिंग्स निकाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या है, ये सीडलिंग जो हम लोग जब डाले थे हम कोकोपीट और कंपोस्ट का, कभी कभी क्या होता है कुल जाने का चांसेस रहता है, इसलिए थोड़ा एक दिन पहले आप पानी नहीं डालना, थोड़ा ड्राई हो जाना चाहिए, मगर रात में हमारे को बारिश होने से थोड़ा नरम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा स्पून यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आपको खाली हाथ से पकड़े तो भी आपको निकल जाता, जैसा एक बाल टाइप में निकल जाएगा आपको। तो निकाल के हम ट्रे में लगा लेंगे, ये ट्रे में लेके जाएगा हम पौधों को लगाएंगे। ये कद्दू जो है, कद्दू हम डायरेक्ट जहाँ होना उधर भी लगा सकते हैं, सीधा बीज डाल दे के डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, मगर थोड़ा डीप डालना पड़ता है, मगर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर ये सीडलिंग ट्रे में हमारे को क्या है जल्दी आ जाता, और थोड़ा लंबा होते ही हम लोग इसको पूरा स्टेम पूरा अंदर जाने तक वहाँ तक पूरा मिट्टी के अंदर कहे जैसे हम डाले, तो यहाँ से भी अच्छा रूट्स आके वो कद्दू का जो पौधे हैं अच्छा बनता, आपको बहुत अच्छा बन के अच्छा आपको ग्रोथ होगा। वो इसका रूट्स देखिए कितना अच्छा रूट्स आ गया। अभी हम लोग जब इसको गमले में लगा के मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा डीप लगाने से हमारे को क्या होता है साइड से भी अच्छा रूट्स आके ये बहुत मजबूत हो जाता। इसका देखिए बीन्स का कितना अच्छा रूट्स आ गया इसके अंदर, ये बाकी का थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर निकालेंगे। अभी हम इसमें ये पौधे लगा देंगे, मिट्टी जो है मैंने मिक्सर बना दिया 1:1:1 का, कंपोस्ट कोकोपीट और मिट्टी मिला के उसमें एक मिट्टी का नीम केक डाला। ये मिट्टी के अंदर जितना हो सकता है उतना अंदर डीप लगाना है हमारे को, वो लंबा जो स्टेम दिख रहा है ना वो स्टेम पूरा मिट्टी के अंदर डूब जाना, अंदर पूरा खाली पत्ते बाहर रहे तो बस है, ये फ्रेंच बीन्स है, जब अंदर उतना लगाए तो आपको पौधे अच्छा ग्रोथ होगा आपको, और ऊपर से ये मिट्टी डाल के पूरा इसको भर देंगे, खाली पत्ते ऊपर दिखे जैसा लगाए तो बस है हमारे को, उतना अंदर पूरा भर देना हमारे को। अभी सेम फली के लिए खोदेंगे मिट्टी, मिट्टी जो है बहुत नरम हो गया, रात में बहुत बड़ा बारिश हुआ था हमारे को हैदराबाद में, तो बहुत मिट्टी एकदम नरम हो गया है। इसमें अभी हम लोग ये सेम फली का पौधे लगा देंगे, ज़्यादा जितना डीप होगा उतना अंदर डीप लगा देंगे।
अभी हम इसको हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि रात में बहुत बारिश हुआ है, मगर हल्का सा डालने से क्या होता है, हमारे को ऑक्सीजन मिलेगा, जो पौधे पर नया नया डाले हैं अच्छा उसका अंदर सेट हो जाएगा वो। अब यहाँ पर कद्दू का दो सीडलिंग बचा है, वो दोनों सीडलिंग यहाँ लगा देता हूँ मैं। मिट्टी को जो है ज़्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है, दबा के इसको अभी पानी दे देंगे अभी। दोस्तों ऐसा लगा देना, हम लोग हम जैसे देखे वैसे लगा देना पूरा पौधों को। आप जैसे जैसा वो पौधा आप सीडलिंग आना चालू होता है, एटलीस्ट एक 3-4 इंच आप लंबा आना है, सो 3-4 इंच मतलब इतना लंबा आ जाता है। इतना लंबा आने के बाद आप उसको निकाल के हम लोग इसको लगा सकते हैं मिट्टी के अंदर, जहाँ जहाँ होना है वहाँ लगा दे सकते हैं। हम लोग लगाए डॉलिकस, लगाए हम फ्रेंच बीन्स, लगाए और कद्दू का लगाए, ये पूरा लगाया हम लोगों। तो ऐसा जैसे जैसा सीडलिंग्स बढ़ते रहेगा, ये कम से कम 4 इंच तो भी रहना है सीडलिंग्स, 3-4 इंचेस सीडलिंग आ गए तो अच्छा रहता। जब हम लोगों को रीप्लांट करना है, ट्री ट्रांसप्लांट करके कहीं भी लगा सकते हैं हम लोगों। ये आज का वीडियो, हम लोग हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए, और मेरा चैनल का अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन क्लिक करने से आपको जो भी मेरा नया वीडियो रिलीज़ होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको वीडियो मिस नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।